इस फ्लाईओवर जो लास्ट वाले गढ़ रहने वाला है वो ये रहने वाला है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो इस फ्लाईओवर के गढ़ हैं इस ओर से लेके लास्ट तक, जहाँ से मैंने पहले के विजुअल्स दिखाए वहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे गढ़ कंप्लीट थे। लेकिन ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो सामने की ओर मेहता रोड देख पा रहे होंगे, इस रोड के ऊपर के जो गढ़ रहने वाले थे वो इनकम्प्लीट थे। अगर ये इतना सा एरिया कम्प्लीट हो जाता है, यानी कि यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे इस ओर से यहाँ तक सीमेंट के जो स्लैब वगैरह कंक्रीट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी कंप्लीट है। और सामने की ओर अगर बात करूँ 100 से 150 मीटर तक यहाँ पे कंप्लीट है, बीच में फिर से वर्क चल रहा है। ये चेक करो, आने वाले टाइम काफ़ी प्यारा व्यू देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो कि आप सामने की ओर फ्लाईओवर देख पा रहे होंगे। ये चेक करो, काफ़ी अच्छा और कर्व में यहाँ पे फ्लाईओवर बनते जा रहा है। पहले मैं सोच रहा था कि इस फ्लाईओवर को इस ओर से कवर करूँ जो कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी मैं जिस लोकेशन पे खड़ा हूँ यहाँ पे, यानी कि सामने की ओर पूरा का पूरा फ्लाईओवर दिख रहा है, यहीं से सारा का सारा कवर हो गया। तो इस ओर मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर इस ओर से कवर करूँगा। ये आप मेरे बैक साइड रामन फ्लाईओवर देख पा रहेंगे। तो इस फ्लाईओवर का जो लास्ट व्यू वो यहाँ से रहने वाला है। तो बस इसी के साथ में काफ़ी लोग कमेंट करते रहते हैं भाई कि इसके बारे में अपडेट दे दो, रामन फ्लाईओवर के बारे में अपडेट दे दो, मेहाट टनल के बारे में अपडेट दे दो। तो अभी रामन फ्लाईओवर पे अपडेट की कंप्लीट जानकारी मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन साइट पे, और जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था जो हमारे फ्लाईओवर का काम कहाँ तक पहुँचा है और बाकी कितना ज़्यादा पेंडिंग है, तो ये चेक करो। यहाँ तक हमारा फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुका है जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे। और अगर हम बात करें यहाँ से आगे, ये भी आप देख पा रहे होंगे, मेरे सामने देख पा रहे होंगे जो हमारा फ्लाईओवर ब्रिज है, इसके गर्डर्स जो हैं सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर की लेंथ रहने वाली है, जो कि यहाँ पे इसका एंड पॉइंट रहने वाला है। और अगर हम बात करें इस ओर की, यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये वाला जो नया गर्डर है, ये नया वाला गर्डर यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ तक सारे के सारे गर्डर्स कंप्लीट थे, ये वाला नया है। और ये वाली जो साइड थी पहले से ही कंप्लीट कर दी थी, कि जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अमरनाथ यात्रा के लिए एक साइड कंप्लीट करते जा रहे हैं, लेकिन अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो अभी इसके क्या अपडेट्स रहने वाले हैं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइज अगर मैं अभी इसकी मेंटेनेंस की बात करूं, तो अभी भी यहां से 5 से 6 मंथ का टाइम लग सकता है, लेकिन अमरनाथ यात्रा के लिए यहां से जो ट्रैफिक पहले ही शुरू किया जाएगा एक साइड से, और बाकी जो इसकी मेंटेनेंस का काम है, मेंटेनेंस का काम भी साथ साथ चलते रहेगा। तो गाइज आज की वीडियो में मैं आ चुका हूँ रामबन फ्लाईओवर, जैसे कि आप मेरे बैक साइड देख पा रहे होंगे ये रामबन फ्लाईओवर रहने वाला है। तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि रामबन फ्लाईओवर को अपडेट दे दो, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले मैंने वीडियो बनाई थी इस पर। जैसे कि आप मेरे बैक साइड देख पा रहे होंगे, ये हमारे रामबन फ्लाईओवर ब्रिज रहने वाला है। तो सामने की ओर जो इसके सारे के सारे गर्डर्स थे, गर्डर ऑलमोस्ट सारे के सारे कंप्लीट हैं। इसके बाद का जो इसका वर्क चलने वाला है, जो इसका कॉन्क्रीट और स्टील वगैरह का जो काम सारा का सारा पेंडिंग है अभी। तो बाकी के जो इसके विजुअल्स हैं, बाकी के विजुअल्स भी आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये चेक कर लो, मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाने वाला हूँ जो इस ब्रिज की जो लेंथ रहने वाली है, अबाउट 1.5 किलोमीटर की लेंथ रहने वाली है। आज की वीडियो में इसको कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, कंस्ट्रक्शन का काम कहाँ तक पहुँचा है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि जो इसका जो स्टार्टिंग का वर्क है, स्टार्टिंग से 100 से 150 मीटर तक कम्प्लीट हो चुका है। और अगर हम इस ओर की बात करें, यहाँ पर भी 100 से 120 मीटर तक कंप्लीट हो चुका है। तो इसका बीच का जो गैप रहने वाला है, बीच का जो एरिया रहने वाला है वो इनकम्प्लीट था, लेकिन वहाँ पे भी गटर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। आने वाला टाइम ये सारा का सारा बन के तैयार हो जाएगा। और इसकी जो साइड में बाकी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस का काम भी चलते रहेगा। और ये चेक करो सामने के विजुअल, चिनाब रिवर के बिल्कुल साथ में ये बना है। और यहाँ से पहले का जो हमारा झूला ब्रिज, ये यहाँ पर रहने वाला है। और इसी के साथ में मैंने लास्ट वीडियो में एक बात और कही थी कि जो हमारे इस फ्लाईओवर के ऊपर से एक बहुत बड़ा ब्रिज बनने वाला है, जो कि यहाँ से शुरू होगा, लास्ट जहाँ पे आप रोड देख रहे हैं वहाँ से शुरू होगा, और यहाँ पे और ऊपर मार्केट से राउंड शेप चौक बनने वाला है, जो कि यहाँ से सारी की सारी व्हीकल यात्रा, चंद्रोग,
इस और के सारी की सारी व्हीकल्स यहाँ से पास होने वाली हैं, तो इसका भी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देने वाला हूँ। तो ये चेक करो सबसे पहले, तो गाइस काफ़ी लोगों के डाउट्स होते हैं कि अभी इस फ्लाईओवर पे कितना ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर मैं बात करूँ इसके नॉर्मल मेंटेनेंस से लेके जनरल मेंटेनेंस तक जितना भी इसका काम चलते जा रहा है, 5 से 6 महीने तक इस पर टाइम लग सकता है और फिर जाके ये कंप्लीट हो सकता है। लेकिन अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी भी इस पर काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो गाइस जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि कुछ दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, तो वीडियो का रीज़न यही था कि एग्ज़ाम वगैरह आते रहते हैं, तो उन चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो लेकिन कमेंट पे सारे के सारे पढ़ रहा था कि किसके कमेंट आ रहे हैं, कौन क्या चाहता है। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि रामबन फ्लाईओवर पर एक वीडियो बना दो, तो सबसे पहले मैं रामबन फ्लाईओवर पर आ चुका हूँ, यानी कि आज की डिटेल सारी की सारी रामबन फ्लाईओवर पर रहने वाली है। तो यहाँ पर सारे के सारे जो गड्स थे, गड्स कंप्लीट हैं, पेयर सबसे पहले कंप्लीट थे, उसके बाद गड्स भी कंप्लीट हैं। इसी के साथ में जो आगे का मेंटेनेंस है वो भी चलने वाली है। इसका जो काम है डे नाइट चलते जा रहा है, रात को भी लेट तक काम चलता है, लेकिन अभी सुबह का टाइम है, सुबह 8 बजे के बाद यहाँ पे फिर से काम शुरू होने वाला है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इस फ्लाईओवर पर कितना टाइम लग सकता है, इसमें कुछ खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अभी भी इस पर 5 से 6 महीने तक टाइम लग सकता है मेंटेन होने में, मेंटेनेंस के लिए इसको 5 से 6 महीने का टाइम लग सकता है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम बात करें, गड्स इस पर कंप्लीट है, अगर जल्दी से काम करें तो 1 महीने के अंदर ही 1-वे व्हीकल्स पास हो जाएंगी, जो कि अमरनाथ यात्रा के लिए 1-वे व्हीकल पास हो सकती हैं। लेकिन अगर इस पर थोड़ा आराम से काम करें तो इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे फ्लाईओवर के गड्स थे वो भी इंस्टॉल कर दिए हैं, सिर्फ 1 से 2 गडर कम है। तो अभी हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं, तो वहाँ से इसको कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो वैसे आप ये चेक कर पा रहे होंगे जो हमारा फ्लाईओवर रहने वाला है वो यहाँ से इस ओर की ओर जाएगा, इस ओर रहने वाला है। तो जो हमारा पुराना वाला हाईवे रहने वाला है वो इस ओर रहने वाला है, ये चेक कर पा रहे होंगे, ये हमारा ना हाईवे रहने वाला है। अभी मैं आ चुका हूँ रामबन कैफेटेरिया, जो कि आप मेरे बैक साइड देख पा रहे होंगे। रामबन कैफेटेरिया पीटू टनल यहाँ से शुरू होता है और सामने की ओर रहने वाला है। तो इसी के साथ में मैं इस ओर का विजुअल सिखाने वाला हूँ। तो आप ये वाला एरिया देख पा रहे होंगे, काफ़ी लैंडस्लाइड एरिया है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। इस चक्कर में यहाँ पे और इस लैंडस्लाइड एरिया से बचने के लिए यहाँ पे टनल बनाया गया है, साथ में कट इन कवर टनल बनाए गए हैं। और आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है, लेकिन हर दिन यहाँ पे अगर बात करें डस्ट की तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट होती है। जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया था, अगर आप रामबन में रहते हो या फिर रामबन के रोड पे ट्रैवल करते हो, आप सबको हाईवे पे सिर्फ 2 ही चीज़ें देखने को मिलेंगी। बारिश के दिनों में यहाँ पे कीचड़ देखने को मिलेगी, और अगर धूप हो तो धूप के दिनों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डस्ट मिलने वाली है। तो अभी मैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट खड़ा हूँ, लेकिन 2 से 3 मिनट में मेरी कंडीशन पूरी की पूरी ख़राब हो गई है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, और इस डस्ट का रीज़न एक ही है कि यहाँ पे अभी जो 4-वे का काम है वो अभी पेंडिंग चल रहा है। आने वाला टाइम अगर ये 4-वे का काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिलने वाला है। तो बस इसी के साथ में जो बाकी के विजुअल्स रहने वाले हैं, मैं बैक कैमरा से दिखाने वाला हूँ कि बाकी के क्या विजुअल्स रहने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइस जो सामने की ओर आप एरिया देख पा रहे होंगे, रामबन का सबसे बड़ा लैंडस्लाइड एरिया यही रहने वाला है। बारिश के दिनों में भी कंटिन्यू चलते रहता है और धूप के दिनों में भी। तो गाइस यहाँ से सारी के सारी व्हीकल्स पास होने वाली हैं आने वाले टाइम, फ्लाईओवर के लिए जितनी भी व्हीकल्स होंगी 4-वे की यहाँ से पास होंगी। तो जो लोग रामबन से मेरी वीडियो देख रहे हैं और उनको तो ये सब पता ही होगा, लेकिन जो आने वाले टाइम इस रोड पर ट्रैवल करेंगे, चाहे वो टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, अमरनाथ यात्रा हो, जो भी यहाँ से श्रीनगर की ओर जाएगा, तो गाइस इसी के साथ में कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी आप मेरी वीडियो लाइव कहाँ से देख रहे हैं। तो कमेंट में अपना स्टेट ज़रूर मेंशन कर देना कि इससे मुझे पता चले कि मेरी वीडियोस कहाँ तक जा रही हैं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।